संपूर्ण बुंदेलखंड में प्रसिद्ध पन्ना जिले के पबई जनपद अंतर्गत मां कंकाली कुआताल बनोली मेले का शुभारंभ चैत्र रामनवमी से हो चुका है, जिसमें हजारों दुकानें प्रतिष्ठान झूले आदि मनोरंजन के साधन आकर्षण का केंद्र है। चैत्र रामनवमी और दशमी के आसपास के 80 गांव के जवारे माता के दरबार में पहुंचे और विधि विधान के साथ भक्ति भाव में लीन होकर भाव खेलते हुए जवारे विसर्जन किए गए। ये मेला 13 अप्रैल तक चलेगा। कानून व्यवस्था को लेकर मेला परिसर में पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। साथ ही पवई विधायक प्रहलाद लोधी, एसडीओपी सौरभ रत्नाकर, मंदिर समिति सहित सभी खंड स्तरीय अधिकारी कर्मचारी मेले की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में लगे हुए हैं। ये मेला 13 अप्रैल तक चलेगा। इसमें कई विभाग, पुलिस प्रशासन सहित होमगार्ड, फॉरेस्ट और सभी तरह का यहाँ बल लगा हुआ है। कुछ लोग हमने पुलिस व्यवस्था में सारी वर्दी में लगाए हैं, जो लोगों के बीच में है और लोगों के बीच जो रहकर कोई भी आपकी ये घटना कारित ना करे उस पर अपनी नजर लगे। सभी तरह की व्यवस्थाएं लगी हुई है। मेला शांतिपूर्ण रूप से चलेगा। मेला हमारा 30 तारीख से 10 तारीख तक चलेगा। इसमें यात्रियों के लिए हर प्रकार की सुविधा की जाती है, जो उसको भी देखते हैं हम मेला में। जैसे इस साल हमने देखा कुछ कमियां हमको दिखी हैं, जैसे आज बारिश हुई, इसके कारण हमको लगा है कि कुछ हमारे यात्री परेशान हुए, तो अगले वर्ष और अच्छी व्यवस्था करें इसके लिए हम प्रयत्न करेंगे। क्योंकि ये मेला पन्ना जिले का इकलौता मेला है। यहाँ पर 4 से 8 जिले लोग के व्यापारी आते हैं। यहाँ सुई से लेके सोना तक मिलता है। तो इस मेले को हम अच्छा सुथरा बनाने के लिए रोज प्रयत्न करते हैं और मेले से घूम घाम के देख के कुछ न कुछ हम सीख लेते हैं कि हमारे द्वारा यात्रियों को कैसे से कितनी अच्छी से हम सुविधा दे सके, इसके लिए रोज कुछ न कुछ हम सोचते रहते हैं। पबई से रविशंकर सोनी की रिपोर्ट।